नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। दोस्तों, बेरोजगारी का मुद्दा आज इतना बड़ा हो चुका है कि PM मोदी के बर्थडे पर भी हैशटैग बेरोजगार ट्रेंड हो गया था। तो आइए जानते हैं कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने कुछ नियम दिए हैं तथा कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगार होने की पहली शर्त तो यही होती है कि व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की हो तथा वह गंभीर रूप से बीमार या पागल ना हो तथा स्टूडेंट भी ना हो, अर्थात जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगार होने की परिभाषाएं भी दी हैं, चलिए उन पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री रॉफेन तथा ग्रेगोरी कहते हैं कि एक बेरोजगार वह व्यक्ति है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है, जो वर्तमान मजदूरी पर कार्य करने के लिए उपलब्ध है, उसे बेरोजगार कहते हैं। तथा इसी प्रकार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर्थर सिसिल पीगू कहते हैं कि एक इंसान को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। तो दोस्तों, यह बात तो हो गई जाने माने प्रोफेसर अर्थशास्त्रियों की। अब बढ़ते हैं आगे, दुनिया के किसी भी देश में बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी की दर क्या है तथा बेरोजगारी किस दर से बढ़ रही है, यह जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने एक फॉर्मूला बनाया है जिसके आधार पर तय होता है कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बेरोजगारी की दर बराबर बेरोजगारों की संख्या अपॉन श्रम शक्ति इंटू 100। तो दोस्तों, बेरोजगारी की दर का पता लगाने के लिए देश में राज्य सरकारों ने बेरोजगार पंजीकरण ऑफिस खोल रखे हैं, जहां पर बेरोजगार लोगों के नाम, पता, डिग्री आदि का बायोडाटा एकत्रित रहता है। इस बायोडाटा को राज्य सरकारें केंद्र सरकार को देती हैं और बताती हैं कि हमारे राज्य में कितने बेरोजगार हैं। फिर केंद्र सरकार सभी राज्यों से बेरोजगारों की लिस्ट लेके उन्हें ऐड कर देती है, तो पता चल जाता है कि देश में कुल कितने बेरोजगार हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 1.7 करोड़, महाराष्ट्र में 1 करोड़ तथा देश के अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसे ही बेरोजगारी के आंकड़े होंगे। इन्हीं आंकड़ों को राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पास भेजती हैं। अब बात करेंगे इस फॉर्मूले में आई श्रम शक्ति की। तो श्रम शक्ति आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉयड पर्सन प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन इज इक्वल टू श्रम शक्ति। अब हम सीखते हैं कि बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं। तो 4 सितंबर 2020 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में देश की बेरोजगारी की दर 8.35% बताई गई थी। तो मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊंगा कि CMIE ने कैसे यह दर निकाली है। तो देश में कार्य करने वाली जनसंख्या अर्थात श्रम शक्ति है 90 करोड़ तथा बेरोजगारों की संख्या है 7,51,50,000। तो सूत्र है बेरोजगारी की दर बराबर बेरोजगारों की संख्या अपॉन श्रम शक्ति इंटू 100, यानी कि हम 7,51,50,000 को 90 करोड़ से जब भाग देंगे और जो आएगा उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है 8.35%। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी की दर कैसे निकालते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी के प्रकार तथा बेरोजगारी को कितने हिस्सों में अर्थशास्त्रियों ने बांटा है जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।